हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरसीआई केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज। तो स्टूडेंट, इससे पहले हम बात कर रहे थे तत्वों के आवर्ती गुण के बारे में, आवर्त सारणी के बारे में हम पढ़ रहे थे। और आवर्त सारणी में हमने ये पढ़ा कि आवर्त सारणी का विकास कैसे होता है या आवर्त सारणी का विकास कैसे हुआ। तो इससे पहले हमने 3-4 साइंटिस्ट आए थे, उनके सिद्धांतों को पढ़ा। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेंडलिप का आवर्त नियम। या मेंडलिप जो है, हमारे पास में एक साइंटिस्ट है मेंडलिप का सिद्धांत। स्टूडेंट, मेंडलिप का जो सिद्धांत था, ये तत्वों को कैसे व्यवस्थित कर रहा है। तो मेंडलिप का जो ये सिद्धांत है, ये तत्वों के परमाणु भार पर आधारित है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि मेंडलिप का जो सिद्धांत है ये परमाणु भार पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु भार पर। कि समान गुण वाले व रासायनिक गुण वाले, भौतिक गुण वाले तत्व, उनके परमाणु भार के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। इसने क्या कहा कि तत्व जो होते हैं परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलिप के द्वारा, मेंडलिप ने जो कहा, तत्वों को जो व्यवस्थित किया, ये परमाणु भार के अकॉर्डिंग इसने व्यवस्थित किया। और सबसे पहले जो तत्वों को व्यवस्थित किया गया था क्रमवाइज, वो किसने काम किया? मेंडलिप ने काम किया। तो विद्यार्थियों, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने तत्वों को व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया आवर्त सारणी में, तो हम किसका नाम लेंगे? मेंडलिप का नाम लेंगे। ठीक है, मेंडलिप के अनुसार, इसके अनुसार इसकी आवर्त सारणी में 7 तो थे आवर्त और 8 थे वर्ग। मतलब इसने कहा कि तत्वों को 7 क्षैतिज पंक्तियां व 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में व्यवस्थित किया। ये जो होंगी आपके पास में, ये तो होंगी क्षैतिज पंक्ति, और ये जो होंगी आपके पास में, इनको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर पंक्तियां या ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ठीक है स्टूडेंट, मेंडलिप के अनुसार मेंडलिप ने कहा कि हमारे पास जो ये 7 आवर्त हैं, इन 7 आवर्त में, ये जो 7 आवर्त दिए गए हैं, इन 7 आवर्त में फर्स्ट जो आवर्त है उसमें तत्व आते हैं 2, सेकंड जो आवर्त है, सेकंड व थर्ड जो आवर्त होगा आपके पास में, उसमें तत्व आते हैं 8 तत्व, 4 व 5 जो आपके पास में आवर्त आएगा उसमें तत्व आएंगे 18, और छठा जो आवर्त आपके पास में आता है, जो 36 पंक्ति आती है, उसमें तत्व आएंगे 32 तत्व, 7वां आवर्त जो था वो खाली था। मतलब कि इसने कहा कि ये जो 7वां आवर्त है इसमें कोई तत्व नहीं रखे जाएंगे, अगर भविष्य में कोई तत्वों की खोज होती है तो उनको 7वें आवर्त में रख दिया जाएगा, व्यवस्थित कर दिया जाएगा। अब स्टूडेंट, ये जो है आपके पास में, इसको बोल सकते हैं जो फर्स्ट आवर्त जो होगा इसको हम लघु बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, या फिर बोलें अति लघु, इन दोनों को बोल देंगे लघु, इनको बोल देंगे दीर्घ, उसको बोल देंगे अति दीर्घ वाला ग्रुप बोल देंगे। तो स्टूडेंट, ये तो बात होगी इसकी, अब बात करते हैं वर्ग की। मेंडलिप ने क्या किया, जो 8 वर्ग थे इन वर्गों को फर्स्ट ए से लेकर 7th ए तक विभाजित किया, इन वर्गों को बांटा गया, और इन वर्गों में इन्होंने क्या किया कि तत्वों को व्यवस्थित किया। साथ ही साथ मेंडलिप के द्वारा क्या किया गया कि अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के दौरान कुछ तत्वों का रिक्त स्थान छोड़ा गया कि भविष्य में जब अगर कोई तत्व पाया जाएगा या फिर ये तत्व पाया जाएगा तो उनको इन खाली स्थान में रखना है, ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर जो आपके पास में मेंडलिप है, इस मेंडलिप ने क्या किया, यहाँ पर 4 रिक्त स्थान रखे, और 4 रिक्त स्थान में जो तत्व बाद में आए उनको इसने कैसे कैसे रखा कि यहाँ पर दिया गया था 1 का एल्यूमिनियम, 1 का सिलिकन, 1 का एल्यूमिनियम का मतलब हो जाएगा गैलियम, 1 का सिलिकन का मतलब हो जाएगा 1 का एल्यूमिनियम मतलब हो जाएगा गैलियम, 1 का सिलिकन का मतलब हो जाएगा जर्मेनियम, 1 का मैग्नीज का मतलब हो जाएगा टेक्नीशियम।
ठीक है, और एक का बोरोन मतलब हो जाएगा स्कैंडियम। मेंडलिप ने क्या कहा, मेंडलिप की जो आवर्त सारणी थी उसने चारों तत्व, ये जो तत्व थे इनके लिए खाली स्थान मतलब कि रिक्त स्थान छोड़ दिया और बोला कि भाई जब भविष्य में ये तत्व आएंगे इनको यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर जो दिया गया है टीसी जो टेक्नीशियम, ये मानव द्वारा प्रथम निर्मित संश्लेषित तत्व है। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित जो तत्व है या मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम संश्लेषित जो तत्व होगा वो क्या होगा हमारे पास में, टेक्नीशियम होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट, ये जो आपके पास में मेंडलिप की आवर्त सारणी है, मेंडलिप ने कहा कि ये जो तत्व जो होंगे इनके तत्वों में कुछ तत्व थे जिनके परमाणु भार में इसने क्या किया, सुधार किया। तो परमाणु भार जो था वो किस किसके में सुधार किया, यूं ही बेताब इंडिया, इसको कैसे याद करोगे, यूं ही बेताब इंडिया, यूं ही बेताब इंडिया, यूरेनियम, बेरेलियम, ये आपके पास में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इंडियम हो जाएगा। इन तत्वों के परमाणु भार में मेंडलिप के द्वारा क्या किया गया, सुधार किया गया। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। मेंडलिप की जो आवर्त सारणी की जो कमी थी या फिर बोलें कि मेंडलिप ने क्या क्या कहा और उसमें क्या क्या कमी रही, मेंडलिप की आवर्त सारणी की कमियाँ ये थी कि मेंडलिप एक तो हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाया, दूसरा मेंडलिप की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार पर आधारित थी, तीसरा मेंडलिप जो था उसने अक्रिय गैसों के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि अक्रिय गैसों को कहाँ पर व्यवस्थित करना है। ठीक है स्टूडेंट, अगर बात करें अगला जो पॉइंट इसकी जो कमी होगी, मेंडलिप ने अगले पॉइंट की बात बताई कि जो एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड जो सीरीज के जो तत्व होंगे उनको कहाँ व्यवस्थित करना है, मेंडलिप को इनके बारे में नहीं पता था, तो ये सभी इनकी कमियाँ थी। और इसने कुछ असंगत युग्म दिए, असंगत युग्म का मतलब ये होता है कि जो तत्व जिनका परमाणु भार ज़्यादा था उनको इसने पहले रखा और जिनका परमाणु भार कम था उनको इसने बाद में रखा, ये एक असंगत युग्म कहलाता है। और यहाँ पर जो हमारे पास में असंगत युग्म जो तत्व होंगे, असंगत युग्म जो तत्व हैं वो होंगे आमिर खान, इसको याद करेंगे, आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा पानी, कोक नहीं, कैसे याद करोगे, आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा पानी, कोक नहीं, तो ये असंगत युग्म को दर्शाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मेंडलिप की जो आवर्त सारणी थी मेनली परमाणु भार पर आधारित थी और इसने क्या किया, तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया। मेंडलिप की आवर्त सारणी में 7 पंक्तियाँ थी जिनको 36 पंक्तियाँ उनको इसने आवर्त बोला और 8 जो इसके ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ थे उसको इसने वर्ग बोला। अब बात करते हैं मेंडलिप की जो आवर्त सारणी के अनुसार कुल टोटल बात करें तो 63 तत्व ही ज्ञात थे, ये भी एक बहुत कमी वाली बात है। फिर मेंडलिप ने भविष्य में कुछ तत्व जो आने वाले थे, जो खोजे जाने वाले थे, उनका रिक्त स्थान छोड़ा, वो तत्व कौन से हैं, गैलियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम और स्कैंडियम। ठीक है स्टूडेंट, अब ये तो होगी हमारे पास में मेंडलिप की आवर्त सारणी और मेंडलिप की जो तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया तो इस सारणी को मेंडलिप की आवर्त सारणी कहा जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट आगे, ये तो थी हमारे पास में मेंडलिप की आवर्त सारणी। लेकिन इसी में अगर हम आगे बात करें तो मेंडलिप के बाद में जो आवर्त सारणी आ रही है उसको हम ये बोल सकते हैं कि आज जो आवर्त सारणी जो पढ़ रहे हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी, और आधुनिक आवर्त सारणी के बाद में आती है आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो थी हमारे पास में आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी जो दी गई वो दी गई हेनरी मोजले के द्वारा,
किसी द्वारा दी गई, हेनरी मोजले के द्वारा दी गई। हेनरी मोजले ने क्या कहा कि जब तत्वों पर उच्च तीव्रता के इलेक्ट्रॉन को गिराया जाता है तो उन तत्वों से एक्सरे तीव्रता की विकिरणें निष्कासित होती हैं। इसने बोला कि जब तत्वों पर उच्च तीव्रता के इलेक्ट्रॉन को गिराया जाता है तो उच्च तीव्रता युक्त एक्सरे किरण उत्पन्न होती हैं। और ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो हेनरी मोजले के द्वारा दी गई, ये आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर दी गई। इसने बोला कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म तत्वों के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर था, हम बात करें यहाँ पर उच्च तीव्रता वाली, ये जो उच्च तीव्रता की जो आपके पास बोला है कि तत्वों में उत्पन्न उच्च तीव्रता के इलेक्ट्रॉन जब गिराया जाता है तो उच्च तीव्रता युक्त एक्सरे ये वाली आवर्ती उत्पन्न होगी, ये होगी व्यू, ये डायरेक्टली हो जाएगी जेड, उच्च तीव्रता की आवर्ती ये हो जाएगी आपके पास में, क्या हो जाएगी आवर्ती। और तत्वों की उच्च तीव्रता की जो आवर्ती होती है वो परमाणु क्रमांक के क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब कि जिन तत्वों का परमाणु भार ज़्यादा होगा उनकी तीव्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी स्टूडेंट। तो मेन बात तो यही है कि जो हमारे पास में आधुनिक आवर्त सारणी जो हम पढ़ रहे हैं वो किसने दी, हेनरी मोजले ने दी। और हेनरी मोजले की ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है कि तत्वों समान भौतिक गुण व रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इस आवर्त सारणी के अनुसार, इस नियम के अनुसार जो आवर्त सारणी थी उसमें 7 आवर्त वह 18 वर्ग थे। कितने आवर्त थे, 7, वह कितने वर्ग थे, 18। और इसके अनुसार अगर हम बात करें तो कुल 112 तत्वों की बात करते हैं। कितने की बात करेंगे, कुल 112 तत्वों की बात करेंगे। इसने 7 आवर्त व 18 वर्ग, इन वर्गों को इसने फर्स्ट ए से लेकर 7th ए तक, और यहाँ पर जो बीच में दिया हुआ है इसको बोलेंगे, ये आपके पास में 3rd B से लेकर 1st B तक विभाजित किया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हेनरी मोजले के अनुसार सभी तत्वों को उनके परमाणु के आधार पर व्यवस्थित किया गया। और सभी तत्व जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो भी अक्रिय गैसें थी, जो भी आपके पास में थे, उन सभी को एक व्यवस्थित रूप से परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया स्टूडेंट। अब बात ये करते हैं कि इसके अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हेनरी मोजले का जो नियम कहता है, इस आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को ब्लॉक में व्यवस्थित किया गया, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व व ए ब्लॉक के तत्व, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी का ही एक दीर्घ रूप में हम पढ़ते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है वो 3 वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया, जिनका नाम है बोर, बरी, वैन और वर्न नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। उन्होंने यही बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी जो होती है उसमें 7 आवर्त होते हैं, 18 वर्ग होते हैं, और ये आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु भार पर आधारित होती है, परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। और तत्वों का यह परमाणु क्रमांक तत्वों का आवर्ती फलन को दर्शाता है। यहाँ पर अक्रिय गैसों को 18वें समूह में रखा गया, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान मिल गया था कि हाइड्रोजन को कहाँ पर रखना है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी बातें करेंगे हमें कल की क्लास में।